कल मतदान होने जा रहा है, 2024 का चुनाव देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र और संविधान तभी पहुंचेगा जब आप अपने वोट के अधिकार को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आप मतदान करेंगे। कल जब वोट पड़े तो याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था, आज किसान निराश दिखाई दे रहा है। वो एक समय ऐसा भी किसान ने देखा जब हजारों की संख्या में किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने कोई परवाह नहीं की। ये सरकार वो है जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाई थी, आय दोगुनी बात करने की बात कही थी। न केवल किसान दुखी है बल्कि नौजवान के साथ भी इस सरकार ने बहुत भेदभाव किया है। नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, और खासकर उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर परीक्षा लीक हुई है। निराश होकर के नौजवान घर लौट आया, मायूस हुआ, उसे नौकरी और रोजगार सरकार नहीं दे पाई। अगर 60 लाख बच्चों ने जिन्होंने परीक्षा नहीं दे पाई, अगर उन्हीं के परिवार के 2 सदस्यों को और जोड़ दें तो 3 × 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख लोगों का अगर हम भाग 80 लोकसभाओं से दे दें तो 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हुआ है। तो किसान और नौजवान जिस सरकार से दुखी होगा वो सरकार कैसे बचेगी? मैं अपने पश्चिम के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में आप सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।